आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में अफजल नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अफजल किस जुबान का लफ्ज़ है? अफजल के माने क्या है? अफजल में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अफजल इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अफजल हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अफजल उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अफजल उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अफजल अरबी जुबान का लफ्ज़ है। अफजल के माने और अफजल नाम का मतलब है बेहतरीन, बहुत अच्छा, नहायत उम्दा, बरतर। अफजल में चार हरूफ हैं, अलिफ, फे, ज़ाद, लाम। ये इंग्लिश में अफजल लिखा हुआ है, ये हिंदी में अफजल लिखा हुआ है। अफजल उर्दू में लिखने का आजकल दो तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अफजल लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद फे को टच करेंगे, फिर उसके बाद ज़ाद को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में लाम को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अफजल लिखा हुआ आ जाएगा। अफजल लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन चार बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर एक, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर दो, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर तीन, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर चार, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। अफजल लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर एक, अलिफ। नंबर दो, फे। नंबर तीन, ज़ाद। नंबर चार, लाम। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं, फे ये लाइन पर ही लिखते हैं, ज़ाद आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, लाम ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजीब भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखा जाता है और कुछ लेटर शॉर्ट लिखा जाता है। जैसे अलिफ ये फुल लिखा जाएगा, फे इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, ज़ाद इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा, लाम यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, फे, और ये क्या लिखा, ज़ाद, ऐसी में ये जोड़ दिया लाम, तो ये क्या हो गया, अफजल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।